मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आजमगढ़ के मुबारकपुर में करीब एक हफ्ता पहले ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई थी, मगर अब पुलिस ने रविवार को इस ट्रिपल मर्डर के आरोपी नसीरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या का खुलासा जब पुलिस ने किया तो सबके होश उड़ गए। गांव के एक छोर पर पति पत्नी, उसकी 10 साल की बेटी और 4 साल का बेटा रहते थे, मगर उन्हें क्या पता था कि अपने ही घर में मौत उनका इंतज़ार कर रही है। कुछ ही पलों में कोई उन पर हमला करने वाला है। आरोपी ने कबूल किया है कि हमले में घायल पत्नी और उसकी 10 साल की बेटी के साथ बलात्कार किया। बलात्कार के पहले घर में मौजूद पति पत्नी बेटी और बेटे पर ईंट पत्थरों से हमला किया। हमले में पति और 4 साल की बेटी की मौत हो गई। आरोपी ने बताया कि पत्नी जब तड़प रही थी तभी उसके साथ इस घिनौने काम को अंजाम दिया और उसके बाद उसकी 10 साल की बेटी को भी अपना शिकार बनाया। वो मासूम अभी भी इस भयानक पल को याद कर सहम जाती है। फिर हम उसके औरत के साथ किए थे। मरने के बाद उसके? नहीं, मरे नहीं थे अभी। हाँ, छटपटा रहे थे, ही कर रहे थे, मरी नहीं थी जब हम कर रहे थे। कई बार किए थे उसके साथ? दो बार किए थे। और बच्ची के साथ? बच्ची के साथ एक बार। क्राइम सीन को देखने से लग रहा था कि ये सेक्स संबंधी अपराध है। फिर हम लोगों ने टावर डंप लिया। टावर डंप में काफ़ी नंबरों की हम लोगों ने तलाश की। एक सस्पेक्ट ऐसा मिलता है जिसके बारे में हम लोगों ने जब रेकी किया और उसके आसपास के लोगों से हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि इस तरह का एक है जो बहुत ही हाइपर सेक्सुअली एक्टिव है और इस तरह का क्राइम कर सकता है। चूँकि उसी सेल आईडी में उसका नंबर भी था तो हम लोग ट्रैक करना शुरू किए। बाद में पता चलता है कि जिस दिन हमारी डॉग स्क्वाड जाती है और जो हमारा उसी दिन जब हमारी डॉग स्क्वाड गई रहती है तो डॉग को देखते ही वो भागता है वहाँ से। तो कुछ लोगों ने इस तरह के एविडेंसेस दिए। जब और हम लोगों ने रेकी किया तो पता चला कि वो जिस समय उसने ये इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था उस अनकॉन्शियस लेडी के साथ, तो उसने एक वीडियो क्लिप बनाया था और उसने अपनी भाभी को दिखाया था। तो उसको भाभी ने डांटा था, वो देख तो नहीं पाई थी लेकिन ये फेंक ले जाकर उसको नदी में ही फेंक। आरोपी इतना बेखौफ था कि इसका वीडियो भी बनाया था जो अपनी भाभी को भी दिखाने की कोशिश की थी, मगर उसकी भाभी ने ये वीडियो देखा नहीं था। आरोपी जब जान गया कि अब उसकी पोल खुल जाएगी तो उसने मोबाइल फ़ोन एक तालाब में फेंक दिया। नाराज होंगी कि तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, बेचारी मतलब गरीब थी और इल्जाम लगा रहे हो मैयत पर। याद नहीं है मुहावरा? हाँ, कहने लगे कि गोल्डी जब से रुकती है तो धुआं उड़ जाता है, तो हमको अजीब खौफ लगा। हम कहे बस धुआं मत उठने दो। हाँ, धुआं नहीं उठने पर बस वहाँ दूर पे खड़े थे और नजदीक आ गए बेटे के नजदीक और तुरंत मोबाइल चालू कर मोबाइल देख लो हकीकत। तो मैं कहूँ कि हाँ, हमने बोला कि ये कैसे वीडियो बनाई है, मतलब गए के बाद जब हल्ला हुआ था बना। नहीं देखो, जब कपड़ा पहनी है शादिया इरफान की औरत तभी हम वीडियो बनाए हैं, उसके बाद भी बनाए हैं। और तब ले हमारी दोनों बच्चियों की तबीयत बहुत बेहाल हो गई। बच्ची को देखा, बच्ची और बच्चे को, और शादिया कपड़ा पहनी थी तब देखा। अच्छा, एक बार जो उसके बाद वाली वीडियो थी जिसमें सादिया को नंगी कर दिए थे, वो वीडियो मैंने देखा है। उनका हाथ उसमें जो ये शर्ट पहने हैं, यही शर्ट पहने थे उसमें, उनका जो लेवा से ठापे हैं उनको और फिर खोलते हैं एक साइड से और जो बूब्स हैं उस पर हाथ फेरते हैं तो उनका इतना हाथ आता है उस वीडियो के अंदर। और बता रहे थे कि ये मेरा ही हाथ है और ब्लू शर्ट कह रहे थे कि देखो ये शर्ट पहना था। और बता रहे थे अभी खून लगा इसीलिए परफ्यूम मारा। मैं पूछा भी था परफ्यूम बड़ा अच्छा, मत रहा कहाँ से लिए, तो बता रहे थे कि भी मारा हूँ ताकि किसी को पता नहीं लगे। और गर्दन के निशान निशान दिखा रहे थे। अच्छा, हाँ कि देखो नोची ओचे हैं तो अभी डीएनए निकालेंगे तो पकड़ा जाऊंगा, ये मुझसे इतनी बात हुई है। एसपी त्रिवेणी सिंह ने बताया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। एसपी का ये भी कहना है कि आरोपी काम वासना का मनोरोगी है। हरियाणा में रहकर जब नौकरी करता था तो दिल्ली के रेड लाइट एरिया में अपनी हवस को शांत करता था, मगर इसी हवस की दरिंदगी में उसकी बीवी एक माह पूर्व छोड़कर उसे चली गई और अपनी हवस शांत करने के लिए उसने 3 मर्डर किए और दुष्कर्म भी कर डाला, मगर अब ये आरोपी सलाखों के पीछे है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।